परिवर्तनी एकादशी व्रत 17 सितंबर 2021 को मनाई जा रही है। इसे झल झुलनी एकादशी और पद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चतुर्मास की शुरुआत होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार में आने से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी का व्रत कहते हैं कि इससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती की जाती है। विधिपूर्वक व्रत किया जाता है और उसका पारण किया जाता है। कहते हैं कि व्रत का पारण अगर सही तरीके से किया जाए तो ही व्रत का फल मिलता है। इसलिए व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि परिवर्तनी एकादशी पूजा विधि क्या है। धार्मिक दृष्टि से परिवर्तनी एकादशी का व्रत संकल्प एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त से में लिया जाता है। यह व्रत दशमी की शाम से सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन पारण के समय खोला जाता है। व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान की चौकी सजाएं, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार की पूजा की जाती है। उनका ध्यान करके पूजा अर्चना व आरती करें। व्रत के दिन पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। कहते हैं भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन पीले रंग का इस्तेमाल करें। खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनें। पूजा में पीले रंग के फूल, फल और मिठाइयाँ भगवान को अर्पित करें। मान्यता है कि पूजा में तुलसी, फल और तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। कहते हैं जो भक्त परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके जो भी पाप है उनसे मुक्ति मिलती है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो डेली शेयर किए जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।